गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे विल स्टडी क्लास सेवेंथ हिस्ट्री चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स। इसमें हमने इससे पहले के देखा था कि किस मस्जिद के बारे में पढ़ा हमने, और हमने कि देखा था क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी सेन तुगलक हमने देखा। उसमें हमने देखा था किस तरीके से जो स्लेव्स का रोल था वो कितना इम्पोर्टेंट हुआ करता, इकता और इकतदार के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद इकता और इकतदार के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे चीफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन। आज अब हम देखेंगे चीफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक हम ये वाला पैराग्राफ तक आपको मैंने बता दिया किस तरीके से दिल्ली से जो आपके इनका इकदास और ये सब के बारे में हमने बताया था आपको, है ना। और ये किस तरीके से इकदार वाज कंट्रोल बाय द फॉलोइंग, मीन्स इकदार को हम किस तरीके से उनको राइट टू कलेक्ट टैक्स वगैरह दिया जाता था, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल रखना भी ज़रूरी था, तो वो किस तरीके से रखते थे, इस पैराग्राफ में हमने इसको पढ़ा था। अब हम देखेंगे चीफ्टेंस एंड देयर फ्रंटियर फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब होता है किलाबंदी। ठीक है, फोर्टिफिकेशन मीन्स होता है किलाबंदी। इसमें देखेंगे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ, ये कुछ हिस्सा ऐसा था कि जो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, बहुत सारा ऐसा एरिया था जो दिल्ली सल्तनत के एरिया में अंडर में कंट्रोल में नहीं था। क्यों नहीं था ये, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था, इट वाज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। क्यों नहीं था उनके अंडर में, क्योंकि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, इट वाज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। और डिस्टेंस और क्या था, डिस्टेंस प्रोविजंस लाइक बंगाल फ्रॉम द दिल्ली सून आफ्टर एनेक्सिंग अनदर सदर्न इंडिया द इंटायर रीजन बिकेम द इंडिपेंडेंट। अब क्या होता था कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर इनका दिल्ली है, यहाँ पर हमारा बंगाल है ना, तो ये यहाँ से इस प्रोविज़न को उनको कंट्रोल करना, दिल्ली प्रोविज़न में बैठ के बंगाल प्रोविज़न को उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाता था। और कभी कभी क्या हो जाता था कि ये जो दूर दूर में है, यहाँ तो सुल्तान यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ से कंट्रोल कर पाना दूसरी जगह उनके लिए मुश्किल हो जाता था। और इसमें क्या होता था, इन लोग क्या करते थे, ये लोग एसर्टेड इंडिपेंडेंस, और ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर देते थे कि हम मतलब इनकी बात नहीं मानते थे और ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। ठीक है, अपने आप को डिक्लेयर कर देते थे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, उनका बात नहीं सुनते थे। ठीक है, एसर्टेड इंडिपेंडेंस। और है द इंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट, और वो इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर देते। इवन इन द गैंगटिक प्लेन देर वे द फॉरेस्टेड एरियाज। अब देखिए, गैंगटिक प्लेन मतलब क्या है, जैसे कि आपका ये जो आपका गंगा का मैप इसमें अच्छे से दिया है, देखते हैं मैप दिया है क्या, चलिए इधर से मैप ही हम यहीं से देख लेते हैं। जो ये आपका यहाँ से समझिए कि गैंगटिक प्लेन मतलब जहाँ पर ये देखिए गंगा रिवर वगैरह है ना, ये गैंगटिक प्लेन इधर से आ गया, ये गंगा रिवर, ये जी दिखे ना, ये गैंगटिक प्लेन इधर वेयर फॉर, ये जो गैंगटिक प्लेन हुआ करता था मतलब वो एरिया जहाँ से गंगा निकल रही है ना, बहती है गंगा, तो वो एरिया क्या होता था, प्लेन देर वेयर फॉरेस्टेड एरियाज, वो क्या था, फॉरेस्टेड एरियाज था, वहाँ पर बहुत घना जंगल हुआ करता था, बहुत घना जंगल हुआ करता था, जिससे क्या होता था, जो सल्तनत थी दिल्ली सुल्तान पहनते कुड नॉट पेनिट्रेट, मतलब वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे, वहाँ पर घुसना मुश्किल था उनके लिए, वो घुस नहीं पाते थे, क्योंकि वो जो अपन का गैंगटिक एरिया था वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया था, मतलब वहाँ बहुत घना जंगल था, और वो वहाँ पर आसानी से जो सुल्तान थे वो आसानी से घुस नहीं पाते थे। और जो वहाँ के इसका फ़ायदा कौन उठाता था, यहाँ के जो लोकल चीफ्टेंस रहते थे वो क्या करते थे, देखिए तो द सुल्तान्स फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, मतलब वहाँ पर कंट्रोल और घुसना उनके लिए मुश्किल था। लोकल चीफ्टेंस इस्टेब्लिश देयर रूल इन दिस रीजन। अब ये जो लोकल चीफ्टेंस थे वहाँ के चीफ्टेंस, जो लोकल जमींदार जिनके पास बहुत ज़मीन होती है उनको बोलते हैं चीफ्टेंस, तो वो क्या करते थे वहाँ पे, वो अपना अपना रूल्स स्थापित कर लेते थे, और
घने जंगल में का फ़ायदा उठाकर जो लोकल चीफ्टेंस थे वो यहाँ यहाँ का करते थे, अपना अपने आप को स्थापित कर लेते थे। समटाइम्स जो अलादीन खिलजी हैं और मोहम्मद तुगलक भी है जो इस एरिया पे कंट्रोल नहीं कर पाए और कुल्ड फोर्स देयर कंट्रोल इन दिस एरिया बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। उन्होंने अपना कंट्रोल इसमें दिखाया, यहाँ पे लोकल चीफ्टेंस पे उन्होंने कंट्रोल किया इस एरिया को, लेकिन बहुत कम समय के लिए ही वो कंट्रोल कर पाए थे यहाँ पे। तो जो लोकल चीफ्टेंस को यहाँ पे, तो लोकल चीफ्टेंस क्या करते थे, वो अपना कब्जा कर लेते थे। तो चीफ्टेंस जैसे इवान, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ इवान बुता, तो इवान बुता कौन थे, 14th century के ट्रैवलर थे फ्रॉम मोरक्को अफ्रीका के, है ना, कहाँ से, फ्रॉम मोरक्को अफ्रीका। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो चीफ्टेंट्स हैं उन्होंने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया, है ना, हाउ चीफ्टेंट्स प्रोटेक्टेड देमसेल्फ, चीफ्टेंट्स जो थे वहाँ पे किस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया था। तो चीफ्टेंट्स क्या करते थे, जो फोर्टिफाइड देमसेल्फ इन द माउंटेन्स, इन द रॉकी एंड अनइवन रगेड प्लेसेस एज वेल एज इन द बाम्बू ग्रोव्स। क्या करते थे ये जो चीफ्टेंस थे, फोर्टिफाइड मीन्स मैंने बताया अपने आप को किलाबंदी, मतलब पूरा किलाबंदी कर लिया थे पहाड़ों में, कहाँ देमसेल्फ इन पहाड़ों की तरफ और ऐसे रॉकी और अनइवन प्लेसेस पे वो अपने आप को फोर्टिफाइड कर लेते थे, किलाबंदी कर लेते थे। और इवन ऐसे जगह पे जहाँ पर बहुत सारे क्या है वो बाम्बू ग्रूव्स मतलब जैसे कि या एक बाम्बू का पेड़ ये और इसके घने जंगल, ये जो बीच की जगह है पूरे बाम्बू के बीच की जगह है ना, इसके यहाँ पर अपने आप को छुपा के वो इस यहाँ पर छुप के वो रहते थे। और उन इवान बुत्ता का जो कहना है कि जो इंडिया का जो बाम्बू है वो हॉलो नहीं है, वो बहुत बहुत बड़ा है, वो छोटा मोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। इट्स सेवरल पार्ट एज इंटरविन एंड इवन द फाइव कैनॉट इवन, और इसमें मतलब इतना घना और मजबूत है हमारा बाम्बू ग्रोव जो है वो, उसमें आसानी से इवन फायर कैन नॉट अटैक अफेक्ट दम, आग भी उसका कोई बिगाड़ नहीं सकते कुछ। एंड दे आर ऑन द होल वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो बाम्बूज हैं इंडिया में, जो बाम्बूज हैं। द चीफ्टेंस लिव इन द फॉरेस्ट विच सर्व दैम एज अ रैम्पार्ट्स एंड साइड विच दे एंड कैटल, अभी जो और जो चीफ्टेंस थे वो वहाँ पर आसानी से सर्वाइव करते थे। और उनका कहना था कि और ये हैंस दे कैनॉट बी सबडिडेड एक्सेप्ट बाई द पावर, और इसको वहाँ पर जाना मतलब कोई पावरफुल आर्मी ही होगी वही यहाँ पर कब्ज़ा कर सकती है ना, बाकी कोई भी ऐसा आसानी से वहाँ पर कब्ज़ा नहीं कर सकता था, जो पावरफुल आर्मी होगी वही वहाँ पर कब्ज़ा कर सकती थी, ये बता रहे थे इमाम बुता। ठीक है, चीफ्टेंस किस तरीके से बचा ये उन्होंने बताया, हाउ चीफ्टन प्रोटेक्ट देम सेल्फ। ओके, अब था हमारा इसमें जो हम देख रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हो रहा था, तो वहाँ पे हमने देखा एक लास्ट मैंने बताया था मुगल इन्वेडर्स। मुगल इन्वेडर्स में मैंने आपको बताया था कि कौन है मुगल्स, है ना, मुगल्स कौन है, ये क्या है, एक चाइना की ट्राइब है जो अपने साथ क्या करते हैं पूरे जो जितने ट्राइब्स लोग होते हैं उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं और उसके अपने आसपास की टेरिटरी जो होती है आसपास में उसको कब्जा करना शुरू कर देते हैं, है ना, और ये अपना सब बहुत बड़ा एक अंपायर स्थापित कर लेते हैं। तो इसकी किसकी निगरानी में करते हैं, ये चंगेज़ खान की निगरानी में, है ना, चंगेज़ खान इनका लीडर हुआ करता था और ये अपनी बहुत बड़ी, तो कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा अंपायर है तो इनका भी है, किनका, मंगोल्स लोगों का भी अंपायर जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है ना, देखिए दम, तो मंगोल्स कौन थे, ये चाइना के एक ट्राइब जाति है जो कि मतलब कहाँ से आते, चाइना के थे ना लोग, और इन्होंने ट्राइब जाति है और ये क्या कर रहे थे, उसको सबको ही उसको अपने ट्राइब, एक चाइना में एक ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं ये कौन, मंगोल, और जब इंडिया में घुसने के लिए वाले थे तो ये पूरा मतलब मैंने बताया था ईरान इराक ऐसे घुसकर वो इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे, है ना, क्योंकि हम अब आप देखिए इंडिया का मैप है, जैसे कि हमारा जो मैप है आपको पता है कि हमारा यहाँ पर जो है इस तरीके से मैप जा रहा है, तो हमारा जो ये इधर का नॉर्थ है, यहाँ पे जो अपन का नॉर्थ
ईस्ट का एरिया ही, यहाँ पर तो हमारा क्या है पूरा माउंटेन एरिया है। तो चंगेज़ खान अब डायरेक्ट है यहाँ से तो माउंटेन से तो घुसकर हमारे यहाँ नहीं आ सकता था ना, इतना आसान नहीं था। तो उसको कैसे आना था, वो ऐसे घूम के आ रहा था वो उसका, लेकिन वो अपना एरिया को इतना एक्सपेंड कर रहा था पूरा ट्राइबल्स लोगों को लेकर मिलके सब पे अपने आसपास, तो वो इस तरीके से घूमते हुए इधर से इंडिया के पे आ रहा था। अब इधर से मान लीजिए अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, वो इधर से हमारे तरफ ईरान इराक इधर तरफ से वो हम पर इधर से कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा था, ठीक है, इधर से आ रहा था। तो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में तो हमारा माउंटेन है, तो वो यहाँ से तो आ नहीं सकता था। तो जो नॉर्थ वेस्ट साइड से अटैक करने, कहाँ से अटैक करते हैं वो, नॉर्थ वेस्ट तरफ से हमारी तरफ अटैक करने की कोशिश करते हैं। और इस समय क्या था, दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था, ठीक है। तो देखिए अब देखिए, द मुगल्स अंडर द चंगेज़ खान इन्वेडेड ट्रांसोनिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219। ट्रांसोक्निया एरिया मतलब वही बताया मैंने, जैसे कि अपना इंडिया है, ये इंडिया है, इंडिया का पर अपन का यहाँ पर मान लीजिए कि ये अपना इंडिया आ रहा है ऐसे, और यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पर पाकिस्तान है, और यहीं पे क्या है अफगानिस्तान है अपना, यहाँ से टच किया हुआ, और अपना ये सब क्या है इधर से ईरान। तो ये सब जो एरिया है ना, ये सब को यहाँ से उसने अटैक किया, इन्वेडेड मीन्स घुसना, अंदर घुसने की कोशिश की, है ना, नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑसलेट सुन आफ्टर। मुगल अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ, और ये जो मंगोल्स थे इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों के समय काल पे क्या किया, हमारे यहाँ अटैक किया था, दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया था इन्होंने। एंड इन द अर्ली ईयर्स मोहम्मद तुगलक रूल्स दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोस्टेड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। अब ये जो दो रूलर के सामने एक आया कि मतलब एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करनी पड़ी, किसके खिलाफ, इनको मुगल्स के खिलाफ, है ना, क्योंकि मुगल देखो अब जो मंगोल मुगल नहीं सॉरी मंगोल्स है ना, तो मंगोल्स जो थे देखो चाइना से शुरू किया उन्होंने, तो वो यूरोप में चले गए, मिडिल ईस्ट तरफ पहुँच गए, ईरान इराक सब तरफ वो फैलते गए, वो बहुत ज़्यादा एरिया उन्होंने कवर कर लिया था, है ना। तो अब ये इस तरीके से वो फैलने लगे थे। तो जो इनको जो मोहम्मद तुगलक है हमारे और अलाउद्दीन खिलजी हैं, इनको एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करनी थी, है ना। तो किस तरीके से ये दो जो हमारे सुल्तान्स थे, इन्होंने कैसे टैकल किया या डील किया, किसके साथ इस सिचुएशंस में इन्होंने कैसे डील किया, जब उन्होंने अटैक किया तो किस तरीके से इन दोनों ने इस चीज़ों को डील किया था, हम देखते हैं कंपैरिजन, है ना, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे हम मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की। तो देखिएगा, तो मोहम्मद जब अटैक के समय था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, दिल्ली वाज अटैक ट्वाइस, दिल्ली में दो बार अटैक हुआ इन 1299 और 1300 एंड 1302 से 1303, ये साल में अटैक हुआ दो साल। एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अटैक नहीं किया, उसने डिफेंस किया, इसमें अपने लिए एक आर्मी तैयार की और उसने अपने आप को डिफेंस किया, ठीक है, अटैक नहीं किया, डिफेंस किया। और वही मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, द सल्तनत ऑफ वॉज अटैक इन अर्ली टाइम्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रेन, द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड। अब देखिए यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा हुआ कि जब उधर अटैक हुए तो मंगोल आर्मी क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक ने मंगोल को हराया था यहाँ पे, है ना, डिफीटेड मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसोनिया, ही देयरफोर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग। इसने भी देखो अब इसने तो डिफेंसिव, मोहम्मद खिलजी ने क्या किया था, डिफेंसिव अपना अपनाया था, वो अटैक नहीं किया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक को अपने पावर पे अपने उसमें बहुत कॉन्फिडेंट था, तो उन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई और मतलब उसने उसको हराया भी मंगोल को, ठीक है।
अब देखिए अलादीन फिर क्या हुआ, फिर अलादीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फ्रॉम हिज फॉर हिज सोल्जर। अब इन्होंने क्या किया, उस समय एक न्यू गैरिसन टाउन बना लिया अपने सोल्जर के लिए, ठीक है। अब लेकिन ये जो थे आपके मोहम्मद तुगलक, इन्होंने क्या किया, रैदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर सिटीज़ ऑफ दिल्ली, दिल्ली ए खुआना वॉज एम्प्टीड ऑफ इट्स रेसिडेंट्स एंड द सोल्जर्स गैरिसन देयर। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई कुछ नया गैरिसन टाउन नहीं बनाया, गैरिसन नहीं बनाया, इन्होंने जो जो पुराना था उसको भी क्या किया, इन्होंने खाली करा दिया और अपने सर पूरे रेसिडेंट्स जो थे वहाँ पे उनको एक ओल्ड सिटी वी आर सेंट टू द न्यू कैपिटल, उनको दिल्ली से हटाकर वहाँ से उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है उसको वहाँ, उनको वहाँ पे दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया इन साउथ में, क्लियर, उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया दिल्ली से हटा के, तो उन्होंने कैपिटल ही शिफ्ट कर लिया अपना, ठीक है। अब देखिए और क्या किया इन्होंने, अलादीन खिलजी ने क्या किया, द सोल्जर हैज़ टू फीड। अब देखिए अब युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो जो सोल्जर्स हैं जो सैनिक हैं उनको तो खाना देना होगा ना। दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्ट एज अ टैक्स फ्रॉम द लैंड, अ टैक्स फ्रॉम द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना दुआब। आपको पता है जो मैंने बताया था दुआब मतलब क्या है, गंगा और यमुना के बीच की जो ज़मीन है उसको दुआब बोलते। तो उन लोग क्या करते थे, ये अलादीन खिलजी क्या कर रहे थे, तो इनका कहना था कि हम टैक्स कलेक्ट करेंगे कहाँ से, प्रोड्यूस में, जो प्रोड्यूस होगा उसी से हम गंगा यमुना दुआब में जो प्रोड्यूस होगा जो अनाज हो उस पर हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज अ और प्रोड्यूस कलेक्टेड एज अ टैक्स, प्रोड्यूस को ही टैक्स के रूप में कलेक्ट कर रहे थे फ्रॉम लैंड बिटवीन कहाँ से, गंगा और यमुना दुआब से, है ना। टैक्स वॉज फिक्स एट द 50% ऑफ द पीजेंट सेल, और जो भी पीजेंट्स वहाँ पे लगाएगा उसका 50% वो वहाँ देता था, किसके लिए, एज अ टैक्स वो देता था ताकि वो सोल्जर्स लोग फीस करें, है ना। तो ये खाना जो था वो बहुत दूर से आता था इनके लिए, जो यहाँ पर आर्मी जो सोल्जर काम कर रहे थे। अब देखिए अब यही मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज अ टैक्स टू फीड दम। अब जहाँ पर सोल्जर्स लड़ाई इस एरिया में, मान लीजिए सोल्जर्स लड़ाई कर रहे हैं, तो सोल्जर तो मोहम्मद तुगलक ने क्या, इसी जगह से वो क्या करने लगा, जिस एरिया से सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज अ टैक्स टू फीड आर्मी, अब यहीं से वो टैक्स कलेक्ट करने लग गया, जिस एरिया में यहाँ पर लड़ाई हो रही है आर्मी है वहाँ पे उसी एरिया से वो टैक्स कलेक्ट करने लग गया, और ताकि लोगों को फीड कर, आर्मी को फीड कर पाए। बट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान, और देखो अब वहीं से फीड कर रहा है, उसी जगह से ले रहा है, तो क्या होगा, तो नहीं कमी पड़ रही थी भाई चीज़ों की, तो इसके लिए सुल्तान ने क्या किया, एडिशनल टैक्सेस भी लगा दिए। अब इसके कारण जो था वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो बहुत भुखमरी की सिचुएशन तक आ गई थी, ठीक है, फेमाइन की सिचुएशन आ गई थी उस एरिया पे, तो देखो कितना गलत काम है, वहीं पे टैक्स लगा दिया उसने, तो फेमाइन की सिचुएशन आ गई थी, भुखमरी की सिचुएशन आ गई थी वहाँ पे। अब देखिए अलादीन खिलजी के टाइम पे क्या हुआ, द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, अलादीन चूज़ टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रैदर इन इक्तास। अब पहले आपको पता है इक्तास मतलब ज़मीन का टुकड़ा देते थे, लेकिन अलादीन ने क्या किया, उसने सोल्जर्स को इक्तास ना देकर कैश दिया, है ना। द सोल्जर्स वुल बाई देयर सप्लाइज फ्रॉम द मर्चेंट्स इन दिल्ली, और जो सोल्जर्स थे उनको उनको सैलरी इन कैश में देते थे, और वो सप्लायर जो मर्चेंट से सप्लाई मर्चेंट आते थे सप्लाई करते थे सामान, उनसे सोल्जर्स वुड बाई देयर सप्लाइज फ्रॉम द मर्चेंट्स, जो दिल्ली से मर्चेंट आते थे उनसे सामान खरीदते थे फ्रॉम मर्चेंट इन दिल्ली, एंड इट वॉज थस फियर्ड दैट द मर्चेंट्स कुड रेज द प्राइजेस टू स्टॉप दिस। तो कभी कभी ये हो सकता था कि जो मर्चेंट है वो जो दाम है उसको बढ़ा दे, तो अलादीन ने क्या किया इसको कंट्रोल करने के लिए, कि अलादीन कंट्रोल द प्राइस ऑफ गुड्स इन दिल्ली, प्राइसेस वी आर केयरफुली सर्वेड बाय द ऑफिसर्स एंड द मर्चेंट, और वो जो सर्वे किया करवाया जाता था, और यदि जो मर्चेंट किसी चीज़ को नॉट सेल यदि प्रिस्क्राइब रेट में नहीं बेचते थे तो उनको पनिश किया जाता था, ठीक है। तो ये देखो अलादीन ने कितना अच्छा काम किया है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने।
अलादीन नहीं बोला, अलाउद्दीन खिलजी। ओके ओके, अब देखिए, अब मोहम्मद तुगलक के समय क्या हुआ। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड ही सोल्जर। अब देखो यहाँ भी कंपैरिजन सेम ही है कि उन्होंने, तुगलक ने भी सोल्जर्स को सैलरीज के रूप में दिया, लेकिन इसके अलावा देखो अब इसने क्या कर दिया यहाँ पे। अब देखो, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस, यहाँ तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो कब प्राइस कंट्रोल करने के लिए क्या किया, सर्वे करा रहे थे कि, और कोई पनिशमेंट भी दे रहे थे यदि कोई मर्चेंट उसको दाम को बढ़ाएगा तो। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी समवॉट लाइक द प्रेजेंट डे पेपर। आज जैसे कि हम लोग को 2000 रुपये का नोट हम लेके जाते हैं तो हम दुकानदार को देते हैं तो हमको 2000 का सामान दे देता है, तो उसी टाइप का उसने, यदि मैं पेपर पे 2000 रुपये लिख के दे दूँगी और आप बोलूँगी इसे कुछ खरीद के लाओ तो आप ला सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उस नोट को गवर्नमेंट द्वारा दिया गया, गवर्नमेंट सरकार का ठप्पा लगा है कि नहीं इसको एज अ करेंसी इसको मानना है ना, तो वो चलता है। तो इस तरीके का उसने भी चालू किया टोकन और करेंसी जैसा, लेकिन ये जो था जो करेंसी जो उसने बनाई थी वो बहुत ही चीप मेटल्स की थी, है ना, ना कि गोल्ड और सिल्वर की नहीं थी, कोई भी लोहे वगैरह से वो बना रहा था। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दिस कॉइन्स, और उस समय लोगों को ये जो कॉइन्स वगैरह थे इस पर कोई भी ट्रस्ट नहीं था, तो लोग क्या करते थे, और लोग तो बहुत स्मार्ट थे, वो लोग क्या करते थे, उस अपना जो उन लोग का गोल्ड और सिल्वर का कॉइन था दे सेव अपने उसको सेव करते थे, और जो जो राजा को टैक्स देना था है ना, जो उसको टैक्स देते थे तो उसी टोकन से देते थे जो चीप मेटल से बना हुआ था, पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद दिस टोकन करेंसी, वो जो चीप मेटल से करेंसी बनी हुई थी उससे वो लोग उसको टैक्स देते थे। तो देखो अब इससे क्या हुआ, दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो द काउंटरफिटेड इजली, मतलब नकली वगैरह बनाना शुरू कर देते, लोग घरों घरों में अपने बनाना शुरू करते थे इस चीज़ों को, तो इससे क्या हुआ, चीज़ों का दाम भी बढ़ने लगा था। पीपल और ये जो बोलिए कि जो प्रीसियस मेटल है गोल्ड और सिल्वर राजा के पास आना बंद हो गए थे, अब ये जो नकली जो बना रहे थे यही सब राजा को टैक्स भी पेड करते जा रहे थे, तो इससे क्या हुआ, प्रीसियस मेटल आना भी बंद हो गया था राजा के पास, है ना, तो एक ये बहुत ख़राब काम हुआ ना। अब देखिए, फिर अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वी आर क्वाइट सक्सेसफुल एंड द काउंसिलर प्रेज द हिज रेन फॉर इट्स चीप प्राइस एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड इन द मार्केट। देखिए अब जो काउंसिलर्स हैं और तो उनका कहना है कि जो अलाउद्दीन का जो शासनकाल था वो बहुत ही सक्सेसफुल था, क्योंकि वो देखो उसने चीप प्राइस को बढ़ने नहीं दिया, चीप प्राइस रखा और गुड्स ऑफ सप्लाई भी जो था मार्केट में अच्छे से हो रहा था। ही सक्सेसफुल विदस्टूड द थ्रेट ऑफ मुगल इन्वेशन, और उसने क्या है अपने आप को क्या है प्रोटेक्ट करके लिया था ना, किससे, मुगलों के उसके प्रोटेक्ट करके रखा था अपने आप को, किससे, मुगल इन्वेशन से, है ना, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखा था। अब देखिए मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक के बारे में क्या कह रहे हैं, मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वेयर फेलियर। अब जो मोहम्मद तुगलक ने जो किया उसको एक फेलियर के रूप में बताया जा रहा है। हिज कैंपेन इनटू द कश्मीर वाज डिजास्टर, और उसने क्या कश्मीर पे भी अटैक किया था तो कैंपेनिंग तो उसको एक डिजास्टर के रूप में बताया जा रहा है। ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेट द ट्रैक्सोनिया एंड, और जो उसने इन्वेट किया प्लान किया जो लड़ाई करने का, हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएट अ कॉम्प्लिकेशन, और जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते थे। उसने अपने कैपिटल सिटी को जो था शिफ्ट कर लिया, लोगों को दिल्ली से हटा के दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया, तो इसको भी लोगों ने मतलब बहुत गुस्सा हुए इससे भी, और जो उसने टैक्स बढ़ा दिया, एडिशनल टैक्सेस लगा दिया, उसके कारण से फेमाइन सिचुएशंस आ गया है ना, और उधर वहाँ पे फेमाइन सिचुएशंस आ गई थी इस, ये भी उनके, और गंगा यमुना बेल्ट लेड टू बी द सुपर वाइड स्प्रेड रिबेलियन, और जो उनके खिलाफ होने लग गए थे है ना, एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉर्ड, और जो लास्ट में उसने जो टोकन करेंसी भी जो बनाई वो भी बहुत ही खराब उसका निर्णय था। ये बता रहा है कि उनका ये दोनों का कंपेयर किया गया, देखिए ना कि कितना कि अलाउद्दीन खिलजी का जो पीरियड था वो बहुत अच्छा था, उनका कहना था, ठीक है। अब इन दिस लिस्ट ऑफ द मोहम्मद तुगलक फेलियर वी समटाइम्स फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनेट द दिल्ली सुल्तान
planned a campaigning to capture territory. अब ये देखिए, यहाँ पे तो हमने उनको फेलियर माना, लेकिन ये मोहम्मद तुगलक के ही शासन में का एक पॉसिबल हुआ था कि हमने क्या है मंगोल को उनको हराया था, है ना। ये उन्हीं के पीरियड में हुआ था, किसके, मोहम्मद तुगलक के पीरियड पे ही हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का कैसा था, वो डिफेंसिव मेज़र यूज़ करते थे, और मोहम्मद तुगलक मेज़र्स वेयर कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट, और वो ऑफेंसिव थे उनके अगेंस्ट में मंगोल्स के। और जो अलाउद्दीन थे वो डिफेंसिव मेज़र यूज़ कर रहे थे, है ना। तो ये था कि उनके ही टाइम पीरियड पे मंगोल्स को हराया गया था, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद है द सल्तनेट इन द 15th and 16th century। हम सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत जो है अपनी जड़ों को भारत में क्या कर रहा था, मजबूत कर रहा था। तो ये कब हो रहा था, जबकि आप बोलिए पृथ्वीराज की डेथ के बाद, है ना। तो उस समय कौन आया हमारे स्लेव डायनेस्टी, जैसे फिर कौन सी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और आपकी लोधी डायनेस्टी। तो ये लास्ट थी हमारी लोधी डायनेस्टी, है ना। तो लोधी डायनेस्टी को हराने पर क्या है, मुगल का उस समय क्या, लोधी के जाने के बाद मुगल शासन वगैरह चालू हो गया था। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए कि देखिए How will you notice that after the Tughlaqs, the Sayyid, the Lodi dynasty ruled from the Delhi and Agra until, इन्होंने कब तक रूल किया, यहाँ 1526 तक रूल किया, कब तक रूल किया, 1526 तक रूल किया, है ना। ये पूरी डायनेस्टीज आई थी, तो इन्होंने कब तक रूल किया, 1520 लोधी डायनेस्टी तक, कब आया, 1526 तक रूल किया इन्होंने। बाई देन द, फिर वहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, द जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड इंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु इस्टेब्लिश फ्लरिशिंग स्टेट्स एंड प्रॉस्पर कैपिटल्स। अब इन्होंने क्या किया इसके बाद, जब उसके बाद लोधी डायनेस्टी ख़त्म होती है, उसके बाद आगरा अंटिल 1526 था, उसके बाद जो ये एरिया था, जौनपुर था, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, और इन्होंने क्या, और एंटायर साउथ इंडिया जो था, उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट, वहाँ के सब एक एक इंडिपेंडेंट रूलर हो गए थे, और उन्होंने अपने आप स्टेट को बहुत फ्लरिश किया और प्रॉस्परस कैपिटल बनाया उन्होंने। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉज द इमर्जेंस ऑफ द न्यू रूलिंग ग्रुप लाइक द अफगान्स एंड, और ये वही टाइम था जब यहाँ पे न्यू रूलर्स वगैरह भी आए, ग्रुप्स आए थे, जैसे अफगानिस्तान से अफगान्स आए और राजपूत्स आए, यहाँ पे राजपूत लोग रूलिंग किए थे बेसिकली राजस्थान और गुजरात के तरफ, है ना। सम ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश इन दिस पीरियड वी आर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड। जो इस समय जो शासन स्टेट इस्टेब्लिश हुए वो बहुत छोटे थे बट बहुत ही पावरफुल और बहुत ही वेल एडमिनिस्ट्रेटिव थे। जैसे फिर शेरशाह सूर, देखिए 1540 to 1545 स्टार्टेड हीज करियर एज अ मैनेजर अ स्मॉल टेरिटरी ऑफ हिज अंकल इन बिहार। जो ये शेरशाह सूर था वो क्या था, एक एज अ मैनेजर उसने स्टार्ट किया था अपने अंकल की राज में, अपने अंकल की टेरिटरी में बिहार में, एंड इवेंचुअली चैलेंज टू डिफीट द मुगल अम्पायर। अब देखिए ये तो जो शेरशाह सूरी कैसे थे, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब ये आपका बाबर जो थे, है ना, बाबर कौन, अकबर के ग्रैंडफादर जो, है ना। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, और उसके बाद जब बाबर का डेथ हो जाता है तब उसकी गद्दी पे कौन बैठेगा, हुमायूं बैठेगा, राजा बनता हुमायूं। और लेकिन जो शेरशाह जो था उसने क्या किया, हुमायूं को हराया, ठीक है। हुमायूं को हराने के बाद उसने बहुत, और किसने हराया था हुमायूं को, शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी को जो मैंने बताया एक अपने मैनेजर था, वह का स्मॉल टेरिटरी ऑफ हिज अंकल इन बिहार, अंकल की टेरिटरी में वो वहाँ पे एक मैनेजर था, और लेकिन उस बहुत एम्बिशियस था और उस वो सब तरफ रूल करना चाहता था ना। तो उसने देखो हुमायूं को हराया, ना हुमायूं को उसने हरा दिया था,
और उसने करीब करीब इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल अम्पायर हुमायूं 1530 1540 1555 1556। शेरशाह कैप्चर दिल्ली एंड एस्टेब्लिश हिज ओन। शेरशाह उस समय शेरशाह ने क्या किया, दिल्ली पे कब्जा कर लिया और दिल्ली पे उसने राज किया करीब करीब बोलना चाहिए अपनी डायनेस्टी बनाई सूरी डायनेस्टी शेरशाह सूरी बोलते हैं ना। और 15 साल तक उन्होंने राज किया 1540 से लेकर 1555 तक। इट इंट्रोड्यूस एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट द बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम द अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने भी क्या किया था, जो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें जो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे अच्छी थी वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने समय पे एंड मेड इवन मोर और उसको बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाई द ग्रेट एम्पायर। अब लेकिन अकबर के जब देखो फिर दोबारा हम हुमायूं ने क्या किया था, शेरशाह को हराया वहाँ सूर को और फिर उसके बाद राजगद्दी में बैठे, उसके बाद बैठे, उसके बाद अकबर ने राज किया, उसके बाद अकबर तब तक राज किया जब तक कि आपका उसके बाद ब्रिटिश पीरियड शुरू हो गया हमारा ना। तो इसकी ये नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो मुगल एम्पायर का ही है, तो आपको याद रखना है शेरशाह सूर वगैरह के बारे में ना। तो जो शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको भी लोगों ने जो अकबर के टाइम पीरियड में भी उसको यूज़ किया गया कि मतलब अच्छी चीज़ें हम कहीं से भी ले सकते हैं ना, कोई भी अच्छी चीज़ें काम कर रहा है तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्पायर अकबर 1556 से लेकर 1605 तक है ना, व्हेन ही कंसल्टेड द मुगल। और जब इस समय ये वो दौर था जब उन्होंने अकबर शेरशाह को हराकर फिर अपना राज संभालते हैं और मुगल एम्पायर को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो ये था ये पूरा चैप्टर आपका, इसको बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिए, एक एक लाइन को पढ़िए। ओके, फिर हम इसके बाद फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे बाद में।